हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज की हमारी पार्लर कोर्स की ये फर्स्ट क्लास है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे कि थ्रेड कैसे चलाते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसको चलाने का और कौन सा थ्रेड हमको लेना चाहिए। तो थ्रेडिंग ही सबसे पहले क्यों, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में पुटअप हो रहा होगा, तो मैं बता दूँ, एक थ्रेडिंग ही ऐसी चीज़ है जो हम लोग क्लाइंट की अगर अच्छी कर देते हैं तो वो क्लाइंट हमारे संग हमेशा जुड़ा रहता है हमारी ऑल सर्विसेज के लिए। इसी से क्लाइंट का विश्वास हमारे ऊपर बनता है। और थ्रेडिंग करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करते 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 हमको थ्रेड करना आता है। तो हम 30 डेज के अंदर क्या करेंगे, थ्रेड सबसे पहले इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आप डेली थ्रेड की प्रैक्टिस 10 मिनट मॉर्निंग में करेंगे और 10 मिनट जब भी आपको टाइम मिले इवनिंग में या नाइट में आपको जरूर थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपको पता है जब हम लोग थ्रेड चलाते हैं तो धीरे धीरे हमारा हाथ ठीक होने लगता है। पहले हमारा हाथ बहुत टाइट होता है, पेनफुल रहता है जब हम हेयर्स को निकालते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे 30 डेज 2 टाइम्स हम लोग जरूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आप लोग करेंगे तभी आपको आएगा, क्योंकि थ्रेडिंग से ही आपका क्लाइंट जुड़ेगा। तो आप मतलब आपका इतना अच्छा हाथ हो जाएगा 30 डेज के अंदर अंदर कि आप लोग आराम से अपर लिप्स और फोरहेड और थोड़ी बहुत आईब्रोज की शेप देना स्टार्ट कर देंगे। बाकी शेप तो कैसे देंगे, जब आपको लोग मिलेंगे करने के लिए। तो जब भी हम लोग थ्रेडिंग शुरू करेंगे करना, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि थ्रेड को चलाना सीखना है। उसके बाद हम लोगों को 3-4 डेज हैंड्स पर और लेग्स पर प्रैक्टिस करनी है। भले ही अपने लेग्स पर कीजिए या अपने कोई भी नोन, आपकी सिस्टर या मदर कोई भी हो या फ्रेंड्स अगर आपसे कराना चाहें, तो आप उनके पैरों पे हाथों पे थ्रेड चला के क्लीन करने की कोशिश कीजिए। तो पहले तो थ्रेड को पकड़ना कैसे है, थ्रेड कौन सा लेते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैं थ्रेड अपने पार्लर में यूज़ करती हूँ वो ऑर्गेनिक ब्रांड का है। ये थ्रेड सबसे बेस्ट माना जाता है और अभी तक ये सबसे बेस्ट चल रहा था हमारे सैलून में भी, लेकिन कुछ दिनों से इसमें प्रॉब्लम आने लग गई, बहुत जल्दी जल्दी ये टूटने लग गया। हालांकि मैंने कंप्लेंट करी हुई है बहुत सारी जगह कि ये थ्रेड पहले जैसा नहीं रहा। अगर आपको इससे कोई बेस्ट थ्रेड मिलता तो आप लोग ले लीजिएगा। अगर आपके पास थ्रेड नहीं है तो 10-20 की रेंज का एक और थ्रेड भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको नीड रहेगी 40 नंबर थ्रेड है। तो अगर आपको इतना महंगा नहीं लेना, 50-60 रुपये का है, तो आप 20-30 रुपये का आता है वो भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही करनी है। लेकिन मेरा एक मानना ये है कि अगर हमारे पास अच्छी चीज़ होती है प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमको डिस्टर्बेंस नहीं होता। अगर हम सस्ती कोई चीज़ ले लेते हैं तो क्या होगा, हमने थ्रेड ही ले लिया, सस्ता ले लिया बहुत ज़्यादा, या हम धागे से कर रहे हैं, तो आप जैसे ही करना स्टार्ट करोगे वो टूट जाएगा। तो टूटने की वजह से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो हमको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना होता, इसलिए हम लोग अच्छे थ्रेड का यूज करेंगे स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड में थ्रेड को इस तरीके से पकड़ लेंगे और हम लोग इसको अपने दांतों में दबाएंगे, लेफ्ट या राइट वो आपकी इच्छा है, मैं लेफ्ट में दबाती हूँ। इस तरीके से मैंने अपने मुंह में ये धागा लिया और मैंने लेफ्ट साइड में दबाया दांतों के नीचे, आपकी इच्छा है आप कैसे भी करें। दबाने के बाद मैं इस हैंड की, राइट हैंड की 3 फिंगर्स को लूंगी और थ्रेड के ऊपर इस तरीके से क्लॉकवाइज 4-5 टाइम मैं इसको राउंड कर दूंगी। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने बना लिया एक सर्कल। इसके बाद मैं लेफ्ट हैंड की 1st फिंगर इससे इस वाले थ्रेड को जो इस साइड का थ्रेड है इसको मैं इस फिंगर के ऊपर राउंड करूंगी 2-3 टाइम और थंब की हेल्प से इसको पकड़ लूंगी। और जब भी मैं इसको ऐसे करूंगी बीच में इसको छोड़ूंगी, एक बार इस वाले धागे को मैं छोड़ूंगी, फिर दोबारा पकड़ूंगी, फिर स्ट्रेच करूंगी, फिर छोड़ूंगी। छोड़ूंगी क्यों, इसको बड़ा करने के लिए। ठीक है, ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है कि हमारा थ्रेड खुलता ही नहीं है, छोटा ही रह जाता है। तो क्यों रह जाता है, क्योंकि आप इस फिंगर के ऊपर से थ्रेड को हटाते नहीं है। ऐसे किया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करेंगे धागे को तो हमने थंब का यूज़ किया। इस तरीके से मैंने स्ट्रेच किया और इसको सर्कल को छोटा कर दिया और थोड़ा सा फेस को पीछे किया, तो ये प्रोसेस रहेगा। और जब मैं इसको लूज करना होगा तो मैं क्या करूँगी, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से मैंने इसको राउंड किया, फिंगर को इस तरीके से राउंड किया, जितना मैंने लपेटा हुआ है, 3 बार तो लपेटा ही हुआ है। इसके बाद मैं जैसे मेरे को अब इस तरीके से मैं इसको करूँगी दोबारा से,
फिंगर को घुमाया और थंब को पकड़ा और मैंने ऐसे स्ट्रेच किया धागे को, इस तरीके से स्ट्रेच किया। और जब मेरे को बड़ा करना है मैं क्या करूंगी, इसको छोड़ दूंगी और दोबारा पकड़ लूंगी इस तरीके से। आप इस वाले हैंड को मेरे देखिएगा अच्छे से, इस तरीके से, इस तरीके से छोड़ छोड़ के पकड़ते रहेंगे तो हमारा लूज हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, लूज हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डेली। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेंगे। तो इस तरीके से हम राउंड इस फिंगर में किया, इस फिंगर के धागे को बार बार निकाला, फिर पकड़ा, फिर निकाला, फिर पकड़ा। जब निकालेंगे तो लूज हो जाएगा, जब पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे तो हेयर्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें बार बार इसको लूज करना पड़ता है। जब हमने एक बार इसको स्ट्रेच किया फिर हमें लूज करना पड़ता है ताकि हम दूसरा एरिया कवर करेंगे। कैसे करेंगे, पहले वाले के बाल निकाले और दूसरा वाला कवर करने के लिए हम इसे लूज किया, फिर बड़ा किया, फिर उस एरिया पे रखा जहां से हमने बाल निकालने हैं, फिर स्ट्रेच किया टाइट करके इस तरीके से, इस तरीके से थंब से पकड़ लेंगे फिर टाइट करके निकालेंगे। तो ये वाली प्रैक्टिस आपको डेली करनी है 30 डेज के लिए। 30 डेज में आपका हाथ इतना अच्छा हो जाएगा कि मैं मतलब आप खुद बोलोगे कि हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं थ्रेड को चलाने के लिए। मैं यूं नहीं कह रही आईब्रोज की शेप दे दोगे 30 डेज में। आईब्रोज की शेप देने में टाइम लगता है गाइज, हमको बिल्कुल डेवोटेड होकर वर्क करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी हम लोग ये सीखते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो बोलता है कि आप हमारा कर दो। नोबडी वांट्स टू हैव एनी रिस्क। आईब्रोज के संग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो हम लोग कैसे प्रैक्टिस करें, हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे ही अपनों को थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आप रिक्वेस्ट करके कैसे भी आप अपने घर के मेंबर्स पे पहले ट्राई कीजिए इस चीज़ को। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम डमी पे कर रहे हैं तो हमको आ रहा है, कभी भी नहीं आएगा आपको। डमी पे करेंगे तो वो लोग दिखाते हैं कि हम डमी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी है तो आप हैंड्स पे कीजिए, आप अपने लेग्स पे कीजिए। हैंड्स और लेग्स पे क्यों कहा जाता है, मैं क्यों नहीं कह रही आप फोरहेड क्लीन कर दीजिए या अपर लिप्स क्लीन कर दीजिए। जब हम 30 डेज प्रैक्टिस करेंगे, 30 डेज के अंदर ही हम लोग फोरहेड करने लग जाएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हम पहले 1 वीक हम लोग क्या करेंगे, अपने हैंड्स पर और अपने लेग्स पे इसलिए प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वहाँ की स्किन हमारी टाइट होती है तो ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। अगर हम डायरेक्ट फोरहेड पे प्रैक्टिस करेंगे गाइज तो हमारी स्किन आ जाएगी, ब्लड आ जाएगा कभी कभी और वो बहुत पेनफुल रहता है। तो अगर हमको प्रैक्टिस करनी है किसी के ऊपर तो सबसे पहले हम अपना विश्वास बनाएंगे। जैसे हम अपनी सिस्टर पे ही कर रहे हैं तो हमारी सिस्टर भी एग्री नहीं होगी शुरू में कि आप मेरे पे कर लो, है ना। आईब्रोज तो नहीं करने देंगे आपको, तो आप उनको बोलो कि हम आपके पैर पे कर रहे हैं। अगर वो नहीं करने देंगे तो हम सेल्फ लेग पर भी कर सकते हैं, हम अपने पैर पे भी कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस। लगन होनी चाहिए आपके अंदर तो आप अपने लेग पे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको थ्रेड चलाना आ जाए तो आप उनको मना सकते हैं कि मेरे को थ्रेड चलाना आता है, आप अपने हाथों पे चलवा के देख लो। तो आप जब हाथ पे चलाओगे उनको पेन नहीं होगा ना। आफ्टर 15 डेज ये बात बोलना आप, तब तक आपका हाथ क्लियर होने में 15 दिन तो लगेंगे। जब उनको दर्द नहीं होगा तब वो धीरे धीरे आप पे विश्वास करेंगे। फिर आपको फोरहेड करना है सबसे पहले क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा होता है, इस पर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपर लिप्स करेंगे। अपर लिप्स करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर थ्रेड के बाल कैसे निकालने हैं वो तो मैं आपको वीडियो में बता ही दूंगी। लेकिन आप आफ्टर 1 मंथ या 1.5 मंथ इसके बाद ही आप लोग थ्रेड तक आइएगा। इससे पहले मैं आपसे आशा करती हूँ कि जितना मैंने बताया है कि लेग्स पर और हैंड्स पे प्रैक्टिस करनी है, केवल 10 मिनट देने हैं आपको डे में 2 टाइम, तो आप ऐसे ही करेंगे तभी आप लोग जरूर प्रिपेयर हो जाएंगे इस काम के लिए। और इसी काम से हमारा क्लाइंट हमारे साथ जुड़ता है और सारी सर्विसेज लेने के लिए। तो फ्रेंड्स जो भी फ्रेशर्स हैं मेरा आप कहना मान के इस तरीके से काम करेंगे तो आप लंबे समय तक इस काम को कर सकते हैं। और अगर हमारा फर्स्ट हमने आईब्रोज ही खराब कर दी अपने क्लाइंट की तो हमारे साथ वो क्लाइंट नहीं जुड़ेगा। और कैसे हमारे संग क्लाइंट जुड़ेगा ऐसे टिप्स मैं आपको देती रहूंगी। कैसे हम लोग फेशियल के लिए अपने क्लाइंट को मना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। आईब्रोज करते करते हमें कैसे मनाना है अपने क्लाइंट को कि वो हमसे फेशियल कराए, वो खुद से बोलेंगे, आपके क्लाइंट आपसे खुद से बोलेंगे कि आप इतनी अच्छी मसाज करते हो मेरे को आपसे फेशियल भी करवाना है। वो कैसे बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपको आईब्रोज करने के बाद। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस वीडियो से अच्छी नॉलेज मिली हो तो आप हमारे संग ऐसे ही जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरीके से आईब्रोज की हम लोग शेप देंगे, फोरहेड करेंगे, अपर लिप्स करेंगे
ताकि आपको जल्दी जल्दी ये काम करना आ जाए।